वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं कैसे मस्त हूँ दोस्तों तुम भी अच्छे गन्ने का गुड़ बना देखिए चलिए दिखाते हैं आपको तो देखिए दोस्तों ये गन्ने का गुड़ है जो खेत में गन्ना बोया जाता है उसका रस निकाल कर हम लोग पका रहे हैं इसको पका कर गुड़ बनाएंगे तो इसको पकाना पड़ेगा 3 घंटे तक पकाएंगे इसको देखिए इसमें सारा जितना कचरा है सब कचरा निकालने का इसको तो हम लोग कचरा सब निकाल रहे हैं उसके बाद 3 घंटे तक पकाएंगे इसको लगातार तो देखिए ये पक रहा है सारा कचरा निकलेगा इसमें से कम से कम 1-2 बाल्टी कचरा निकलेगा इसमें तब जाकर एकदम सफ़ेद गुड़ बनेगा एकदम पीला टाइप देखिए सब कचरा ही कचरा है इसमें जब भी कचरा निकल जाएगा सारा तब इसको देखिए सब कचरा निकला इसमें देखिए इसे बंद कहीं चालू कर दिया है अब इसी तरह पकाएंगे देखिए सफ़ेद हो रहा है धीरे धीरे तो करीब करीब देखिए 2 घंटे हो चुके हैं अब धीरे धीरे अब इसको देखिए बस और 15 या 20 मिनट और इसको पकाएंगे इस पर आ गया लाइन को पकने के लिए इसका पाक चढ़ गया है और इसको उतारेंगे थोड़ी ही देर में तो देखिए इसको चला चला कर पाक बना रहे हैं क्योंकि मजा खाने के लिए लोग गुड़ ले रहे हैं पूरी से खाने के लिए देखिए हम इसको उतारेंगे देखिए इसमें डंडा लग गया तो थोड़ी ही कुछ ही मिनट में उतार देंगे इसको देखिए पाक चीना जा रहा है कि वेली गुड़ कैसे बनेगा छोटा छोटा टुकड़ा इसको उतारेंगे अब ओवरवाइज कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बहुत बगल में ट्रैक्टर चल रहा था इसीलिए गाना बज रहा था इसीलिए मैं वॉइस नहीं दिया हूँ बाद में ओवरवाइज कर रहा हूँ तो चलिए इसको हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं आगे कैसे इसको अब चला चला कर सूखा करेंगे पूरी मैया ओ भाई पूरी मैया पूरी मैया का तो देखिए सूखा हो गया इसमें हम डालेंगे हम लोग तीली पड़ेगी अब मूंगफली की दाना इसको स्पेशल खाने के लिए मिलना है इसमें देखिए तीली और मूंगफली है इसको बनाएंगे और सूखा बन जाएगा तो कुछ छोटा छोटा टुकड़ा बांध लेंगे हम देखिए 3 घंटे मेहनत करने के बाद जाकर यहाँ हुआ है आगे का जो प्रोसेस था वो तो हमारे पीछे वीडियो में बहुत डाला हूँ बनाकर मैं आप देख सकते हैं कैसे उसको रस निकालते बनने का और उसको कैसे देखते हैं तो देखिए जैसे छोटा सा टुकड़ा गुड़ बन गया खाने में बहुत मीठा लगता है टेस्टी रहता है बहुत ज़्यादा तो देखिए थोड़ा हम टेस्ट करके देखते हैं चलिए कैसा लगता है देखिए बना रहा है पास बहुत टेस्टी है अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई का सपोर्ट करिए प्लीज़ दोस्तों आपके लाइक कमेंट शेयर सब कुछ जाएगा बल्कि मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी और